गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर वेलकम गुड आफ्टरनून सर या गुड आफ्टरनून सभी का स्वागत है. सो कल के केस के बारे में कोई कुछ पूछना चाहता होगा बताना चाहता होगा तो बता सकते हैं. दो मिनट है अपने पास जब तक हम वो डिस्कस कर लेते. अगर किसी को कल के बारे में कल के लेक्चर के बारे में कल के केस के बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. सबसे पहले कैसी लगी केस आपको बताइए. चलो कुछ पूछना नहीं है तो वो बता दीजिए सर. वो लास्ट फॉलोअप आपने बताया लेकिन उसके बाद में मतलब पूरा स्क्रीन क्लियर ऐसा फोटो एक्चुअली क्लियर देखा रही इसलिए वो पूरा कलर वैसा आ गया होगा या बिटली को जैसा ही रह गया वो. हाँ मैंने बोला था ना लास्ट कि लास्ट उनका जब फॉलोअप था तो जो सेकंड टो को नेल नहीं था और लास्ट टो का जो मिडिल अपना लिटिल टो था उसका नेल कितना खराब हो गया था ना पूरा ऐसे. हाँ, वो रीअपीयर हुआ पूरा टूट के न्यू रीअपीयर हुआ और सेकंड टो को भी टो को भी नेल आ गया था क्योंकि वहां पे नेल ही नहीं था तो नेल अपीयर हुआ और जो कलर वगैरह है वो सब क्लियर हो गया था. लेकिन उस वक्त का वीडियो मुझे दिखा ही नहीं. मैंने कहा उसे सेव करके रखा है वो मिला. यस वो 100% वीडियो तो लिया ही होगा मैंने क्योंकि लास्ट फॉलोअप था लेकिन वो मिला नहीं मुझे. कहा मैंने बहुत ढूंढा. कंप्लीट नॉर्मल हो गया सर मतलब कंप्लीट नॉर्मल हो गया. सो लेट्स स्टार्ट. तो हाँ सर त्याच्यामध्ये मला कन्फ्युजन झालं होतं म्हणजे केस मला असं वाटत होती म्हणजे गँग्रीन सारखं वाटत होत का पिक्चर थोडस. नो नो एक बात हमेशा ध्यान में रखना की हमारे पास पेशंट तभी आता है जब उसके पास पूरी पूंजी तैयार हो जाती है ना. पूरे इन्वेस्टिगेशन कर लेता है बड़े बड़े फाइलें लेके आता है ना. सब तरफ से घूम घूम के हमारे पास पेशेंट आता है ना. पेशेंट ऑलरेडी प्रोवाइड अस डायग्नोसिस हमें वी आर लाइक सुप्रीम कोर्ट. सब लोकल कोर्ट हाई कोर्ट घूम के आएगा. पूरा पेशेंट होपलेस हो जाता है तब हमारे पास आता है ना. कि अब कुछ नहीं बचा अब एक ही डॉक्टर बचा है जो हमें क्योर कर सकता है और वो होम्योपैथ राइट. तो जो भी क्रिटिकल केसेस होते हैं जो अनसॉल्व्ड केसेस होते हैं वो सब हमें मिलते हैं और हम ही उसमें मैजिक करते हैं राइट. हाँ विजय का सर कहते थे वी आर लाइक सुप्रीम कोर्ट. यस वी आर लाइक सुप्रीम कोर्ट. ऐसा होता है. तो वो केस मैंने डायग्नोज नहीं किया था ऑलरेडी डायग्नोज होके आई थी. यस थैंक यू सर. तो ये जो हम डेली वर्कशॉप ले रहे हैं इट इज प्रोडक्टिव होम्योपैथी वर्कशॉप. जो डॉक्टर विजयकर सर के बुक्स हैं उस पे हम ये वर्कशॉप लेते हैं डेली रीडिंग लेते हैं और ये हमारा जितने भी सर के बुक्स हैं हम पूरे इसमें लेने वाले हैं. तो डेली हमारा ये डिस्प्ले होता है चार से पांच और हमारा कुछ ही दिन में ये यूट्यूब पे लाइव शुरू हो जाएगा. यूट्यूब पे भी हम लाइव इसके वो जिनको जूम में प्रॉब्लम है वो लाइव यूट्यूब पे भी लाइव देख सकते हैं. और अभी तक के जितने भी हमारे सेशंस हुए क्लासेस हुए उसका भी मैं YouTube पे वो लोड कर दूंगा. आप YouTube पे ही उसे देख सकते हैं क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट आ रहे हैं सभी डेलीगेट्स के कि हमें सर रिकॉर्डिंग दीजिए. तो रिकॉर्डिंग पे वर्क शुरू है वो YouTube पे लोड हो जाएंगे तो आप उसके YouTube पे देख सकते हैं और YouTube पे उसे लाइक कर सकते हैं उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं राइट. हमारा जो चैनल है सदगुरु होम्यो हॉस्पिटल उस पर आपको सब वीडियो मिल जाएंगे. यस सो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 एम्ब्रियोलॉजी और इसे लिखा है डॉक्टर नरेंद्र मेहता सर ने. तो ये जो एम्ब्रियोलॉजी चैप्टर है इसमें हाउ टू मेडअप ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन होम्योपैथी.
तो डॉक्टर विजयकर सर ने इसको इतना अच्छी तरह से मैनेज किया है कि एम्ब्रियोलॉजी हमारे होम्योपैथी में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम तीन बातें सीखने वाले हैं, एक तो एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, हाउ टू मेडअप ऑफ सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, देन ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। देन सेकंड थिंग, जो सेवन लेयर चार्ट ऑफ सेपरेशन है विजयकर सर का, तो वो चार्ट इस एम्ब्रियोलॉजी पे कैसे डिपेंड है, किस तरह से सेपरेशन होता है, किस तरह से सिस्टम बाय सिस्टम बॉडी की बनते जाती है, किस लेयर्स में बनती है, कि कौन से टिश्यूज में, कौन से सेल्स में बनती है, ये सब हम इसमें देखेंगे। और वो लेयर का, सेवन लेयर्स का क्या इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में, एम्ब्रियोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम इसमें देखेंगे। और थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, बात जो हम इसमें सीखने वाले हैं वो है कि जो मेन तीन लेयर्स है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, जो सेवन लेयर्स में सर ने सबसे नीचे लिए हैं कि बॉडी की शुरुआत कैसे होती है, कहां से सेल्स आते हैं और सबसे पहली लेयर कौन सी फॉर्म होती है। देन के ये जो फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी का, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स लेयर एंड सेवन, तो इस पे हेरिंग्स लॉ हमारा, नेचर्स लॉ किस तरह से डिपेंड है और किस तरह से अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर प्रूव हो जाती है, और अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोलॉजी एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हेरिंग्स लॉ कैसे बनाए और क्यों वो साइंटिफिक है, क्यों उसको इतना साइंटिफिक बनाया गया, ये थर्ड थिंग हम इसमें से सीखने वाले हैं कि अपना जो हेरिंग्स लॉ है क्यों वो देखना, हर डिजीज में क्यों वो फॉलो होता है और क्यों अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ क्योर होता है, वो सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो ये तीन चीजें हैं, एक पहले एम्ब्रियोलॉजी बॉडी किस तरह से बनी, दूसरा सेवन लेयर्स ऑफ सेपरेशन चार्ट, और थर्ड थिंग इज हेरिंग्स लॉ। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी टू डिफ्रेंशिएट एंड डिस्टिंग्विश आइडियल क्योर फ्रॉम नॉन आइडियल क्योर इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस, यस। तो ये हम इस चैप्टर में से सीखेंगे कि किस तरह से डिस्टिंग्विश करना है आपको आइडियल क्योर एंड नॉन आइडियल क्योर। देन एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ क्योर, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी टू नो एंड अंडरस्टैंड द डायरेक्शन एंड द डेप्थ ऑफ डिजीज एंड डेप्थ ऑफ रेमेडीज, यस, ये भी नॉलेज हमें इसमें से मिलेगा। देन एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी टू अंडरस्टैंड कॉम्पेंसेशन इन इनक्यूरेबल डिजीजेस। तो इनक्यूरेबल डिजीजेस जो होते हैं, जो सेवन प्लेयर्स के डिजीज होते हैं, वहां पे कॉम्पेंसेटरी क्योर कैसे होता है और कॉम्पेंसेटरी क्योर क्यों होता है, ये भी हम इसमें से सीखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पेंसेशन क्या होता है, कॉम्पेंसेटरी क्योर क्या होता है। तो मैं शॉर्ट में इसको बता दूं आपको कि कॉम्पेंसेटरी क्योर मतलब जो मोर डेंजरस फॉर लाइफ होता है वो चले जाता है और वहां पे लेस डेंजरस फॉर लाइफ आ जाता है, जैसे कि सिपिलिटिक चले जाएगा कंप्लीटली और वहां पे ऐसा कोई साइकोटिक डिजीज आ जाएगा जिसे हम विदाउट मेडिसिन भी लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं, पूरे लाइफ जी सकते हैं, उससे कोई हार्म नहीं होगा। जैसे कि कैंसर चले गया, कैंसर इट इज डेंजरस टू लाइफ, कैंसर चलेगा और उसके बदले में वहां पे एक तो हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज या फिर थायराइड प्रॉब्लम आ गया, दिस इज साइकोटिक, है ना। तो जो मोस्ट डेंजरस था वो चले गया एंड लेस डेंजरस आ गया, दिस इज कॉल्ड कॉम्पेंसेटरी क्योर। तो इस तरह से हम कॉम्पेंसेशन क्या है, कॉम्पेंसेटरी क्योर क्या है, ये चैप्टर में से पढ़ेंगे। सो वी कम अक्रॉस मेनी डिजीजेस डे इन एंड डे आउट, मेनी टाइम्स वी सी रिजल्ट ऑफ क्योर इन डिजीजेस, बट लेटर ऑन समटाइम्स साइलेंटली और समटाइम्स इवन इन फ्रंट ऑफ आवर आईज वन डिजीज डिसअपीयर एंड समथिंग न्यू इरप्ट्स
एंड इट अपीयर्स देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम. यस, ये बहुत बार देखते हैं हम, और ये होम्योपैथी देख सकता है ओनली, कि ये कुछ तभी जाता है और दूसरा निकलता है. खारी हमारा इंटेंशन यही होना चाहिए, हमारा पूरा ध्यान उस बात की तरफ जाना चाहिए कि निकला है तो कहां से निकला है ना. जो भी पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पूरे सिम्टम चले गए, लेकिन गए कहां? आपका मेन पूरा ध्यान इंटेंशन इस तरफ जाना चाहिए कि ये गया तो सही, लेकिन गया कहां? तो वो हमेशा ऑलवेज कहां से निकलना चाहिए? फास्ट बोलो, लेस इंपॉर्टेंट सिस्टम में से, लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से. अगर वही, अगर मोर इंपॉर्टेंट सिस्टम या फिर ऑर्गन में से निकलता है, दैट इज सप्रेशन. तो हमारा पूरा ध्यान आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन इस तरफ जाना चाहिए कि ये गया, लेकिन गया कहां? ये कहीं ना कहीं से तभी निकलना ही चाहिए. अगर वो निकलता नहीं है तो दैट इज द टेम्पररी पैलिएशन, या फिर मे भी हो सकता है सप्रेशन, वो कुछ दिन बाद आएगा, है ना. तो उसे 100% कहीं ना कहीं निकलना ही चाहिए, क्योंकि डिजीज इटसेल्फ इज अ मॉर्बिड एनर्जी, और एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, वो खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगी. सो ये कंसेप्ट है और वो हम यहां से देखेंगे. So it is not like that there is a definite connection between them. That is nothing but progress of disease, and there is deterioration of health. Therefore, we must know about development and structure of human body. So ये समझने के लिए कि गया कहां, हमें embryology पता होनी चाहिए, हमें 7 layers separation chart पता होना चाहिए, और हमें हेरिंग्स लॉ भी पता होना चाहिए, राइट. सो व्हाई स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन एफोरिज्म 3 हैनिमन सेज, इफ द फिजिशियन क्लियरली परस्यूज व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज. देखो कितना अच्छा लिख के रखा है कि इफ फिजिशियन क्लियरली परस्यूज व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज. जब तक हमें पता नहीं होगा कि हम क्या दुरुस्त करने वाले, क्या क्योर होगा, क्या क्योर करने वाले, तब तक पता ही नहीं चलता कि हम कहां जा रहे हैं, राइट. तो हमारा हम जब भी पेशेंट कोई भी देखते हैं, सीरियस हो, नॉन सीरियस हो, है ना, क्रॉनिक हो, एक्यूट हो, तो हमें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि इसमें दुरुस्त क्योर क्या होने वाला है, राइट. सो दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज, यस. Disease means die easy, क्योंकि disease ही death देगा. So that is ill easy. So what is easy? Easy means healthy state of human being. Therefore, one must know about the development of human being and development of each organ. What organ has developed first and what organ has developed last? That is what is the study of embryology. And this helps us to know the changes that occur in health during disease process. Every individual mostly spend the first 9 months, 266 days or 38 weeks of its life within the womb of its mother. During this period, it develops from one cell structure to an organism, having trillions of cells, numerous tissues and organs are formed and come to function in perfect harmony. First 2 months it is called embryo. After 2 months, it is called a fetus. So, embryology is the study of the formation and development of the embryo, fetus, from the moments of its inception up to the time it is born as an infant. Yes. So, ye all study hum abhi aage dekhne wale. The human body is made up of trillions of cells,
देयर इज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्मेटोजोन फ्रॉम द फीमेल फ्रॉम द मेल एंड फीमेल गैमेट्स दैट इज ओहम फ्रॉम द फीमेल गैमेट्स द स्पर्मेटोजोन मीट्स एंड फ्यूजेस विद ओहम एंड फॉर्म्स इनटू अ जायगोट. ये स्पर्मेटोजोन एंड ओहम कंटेन्स अ न्यूक्लियस. देखो जर्नी ऑफ लाइफ स्टार्ट फ्रॉम सिंगल ओहम एंड सिंगल कुछ सिंगल सिंगल से हो रहा है तो जब इसे डिजीज होता है तो उसे भी सिंगल मेडिसिन सिंगल डोज ही लगता है. ईच स्पर्मेटोजोन एंड ओहम कंटेन्स अ न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोजोम. सबसे पहले एक सेल फॉर्म होगा और एक सेल में जो न्यूक्लियस होगा उसमें होंगे क्रोमोजोम्स. वो लाखों क्रोमोजोम्स लाखों जीन्स जिसमें मदर से एंड फादर से उनके जेनेटिक ट्रेट्स लाए हुए हैं. सो सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमोजोम्स. ईच क्रोमोजोम बियर्स ऑन इट्स सेल अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जीन्स. क्रोमोजोम्स में ही क्या होता है जीन्स. क्रोमोजोम्स मीन्स जीन्स भी बोल सकते हैं. सो एवरी जीन इज डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट एवरी मेल एंड फीमेल गैमेट. हर जीन्स में वो इंफॉर्मेशन छुपी है जो उसने पेरेंट से लाई है और वो उसकी खुद की भी कुछ उसमें जीन्स होते हैं जिसमें उसका इंडिविजुअलाइजेशन छुपा होता है. सो क्रोमोजोम्स आर predominantly made up of nucleic acid that is deoxyribonucleic acid is called DNA. Deoxyribonucleic acid that is DNA and all information is stored in a DNA which is individual in character. इसलिए individualization. तो हमने ये देखा था कि कितने percent genes होते हैं जो अलग होते हैं है ना और कितने percent genes होते हैं जो कॉमन होते हैं. दैट इज 75% जीन्स आर कॉमन एंड ओनली 25% जीन्स आर डिफरेंट. तो वो डिफरेंट जीन्स ये है. दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू डायरेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द सेल बाय सिंथेसाइजिंग एप्रोप्रिएट प्रोटीन्स. और वो जीन्स में वो डीएनए में होते हैं सिंथेसाइज प्रोटीन्स. इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन ऑफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिविजुअलाइजेशन द ह्यूमन बींग्स. So Hahnemann has emphasized on individualization. देखो individualization term कहां से आई. Genetics. Every individual differs from each other. Though it is manufactured in a womb, in the same time and in the same manner. यहां तक समझ में आया individualization कैसे आता है. क्यों homeopathic medicine genes पे act होती है ना. Why this virology is important. और हमें कितना डिटेल में स्टडी होता है. इतना डिटेल स्टडी करना पड़ता है. फॉर्मेशन ऑफ थ्री लेयर्स. बेसिक थ्री लेयर्स होते हैं. ऐसे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियो का. सो बेसिकली ऑल बॉडी पार्ट्स डेवलप फ्रॉम वन और मोर लेयर्स. लाइक द स्किन हैज डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म. साइटी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट हैव डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म. एंड ऑल्सो वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट किडनीज लिवर develop from mesoderm. Embryo proper acquires the form of a three-layer disc. तो देखो सेल से अब वहां पे एक डिस्क तैयार हो जाएगी. This is called the embryonic disc. इस डिस्क में तीन लेयर के सेल्स हैं. एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मिजोडर्म. These three layers that constitute embryonic disc are ectoderm, endoderm and mesoderm. Blastocyte, some cells of the inner cell mass differentiate into flattened cells that come to lie on its free surface. The cells constitute the endoderm. अभी हम embryonic disc के आगे चल रहे हैं. इसमें three layers हमने देखे ectodermal cells, endodermal cells and mesodermal cells. At this stage, embryo proper is like a circular disc. The disc is composed of upper ectoderm, ectoderm layer of columnar cells. देखो उसमें ectoderm में कौन से cells है? Columnar cells. While the lower is endoderm is made up of cubical cells. अभी हम यहाँ पे किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह से आगे जा रहे हैं, किस तरह से starting हुई embryo की, है ना?
किस तरह से दो क्रोमोसोम्स सेल में आए, उनसे मेल क्रोमोसोम फीमेल ओ हमसे फीमेल क्रोमोसोम्स और दो फादर एंड मदर क्रोमोसोम्स लेके तैयार हुआ सेल के न्यूक्लियस में ये जीन्स सिंथेसाइज प्रोटीन्स आ गए। उसके बाद उससे एक एम्ब्रियोनिक डिस्क बनी और दैट डिस्क कंटेन्स द सेल्स ऑफ टिश्यूज ऑफ एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। डिस्क में भी सर्कुलर डिस्क कंटेन्स अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट में एक्टोडर्मल सेल्स और लोअर पार्ट में डर्मल सेल्स। यहाँ पे ये समझ में आ रहा इस तरह से अब सा ऑर्गन पहले बनेगा, उससे पहले क्या बनता है ये डिसाइड होगा। देखते हैं हम पहला रूल हेरिंग्स लॉ का कौन सा है, मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन। इस तरह से हम मोर इंपॉर्टेंट से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ जाएंगे। किस तरह से एम्ब्रियोलॉजी हमें इस मोर इंपॉर्टेंट से लेस इंपॉर्टेंट की तरफ लेके जाएगी। तो पहले मोर इंपॉर्टेंट बॉडी में क्या है, वी हैव सीन दैट द ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम थ्री लेयर्स एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मेसोडर्म एंड द डेवलपमेंट इज नॉट हैजार्ड बट द डेवलपमेंट प्रोग्राम इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। देयर इज अ डेफिनेट ऑर्डर इन डेवलपमेंट। ये ऑर्डर क्या है, इन द एंडोडर्म one circular area forms near the margin of disc and the cubical cell becomes columnar cell as prochordal plate। देखो disc से यहाँ पे क्या तैयार होगा, circular disc से prochordal plate तैयार होगी। This determines the, देखो prochordal plate के बाद क्या होता है, this determines the central axis। मतलब उस plate को भी अभी दो पार्ट में डिवाइड कर देगा ये सेंट्रल एक्सिस राइट एंड लेफ्ट। सो टू डिवाइड लेफ्ट एंड राइट वॉल्स दिस इज द हेड एंड। सबसे पहले बनेगा हेड। दिस सजेस्ट दैट प्रोकॉर्डल प्लेट रिप्रेजेंट द हेड व्हिच इज सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। Hence it has to develop first. तो देखो सबसे पहले हेड फॉर्म होगा। That's why we use us more important to head in Herring's law, in nature's law, है ना। तो अगर बॉडी में कुछ भी होता है तो सबसे पहले हेड इंप्रूव होगा, दैट मीन्स अपर। इसीलिए ये रूल हैनेमन ने फॉर्म किया कि मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट। तो किस तरह से हमारा नेचर्स लॉ अकॉर्डिंग टू नेचर है, इसीलिए उसे नेचर्स लॉ कहते हैं। किस तरह से बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है, सो दिस सजेस्ट दैट प्रोकॉर्डल प्लेट रिप्रेजेंट द हेड व्हिच इज सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। हेंस इट हैज टू डेवलप फर्स्ट देन एनी अदर ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। शोज दैट The development of the embryo start from this part, prochordal plate, from more important organs to less important organs. This is the embryology of head. Significance kya hai? Nature gives more important to the head part. You know, ki pehle head hi kyun form hota hai? Kyunki nature gives the important to head. Ye kabhi order disorder nahi hoga. बच्चे की हर किसी की भी एम्ब्रियोलॉजी लो, पहले हेड ही फॉर्म होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में पहले लेग्स तैयार होते हैं, इंडिया में हेड नहीं। इट इज अ यूनिवर्सल, इट इज नेचर्स लॉ। साइड्स, अभी यहां पे हमने साइड्स भी देखे, बिकॉज ऑफ सेंट्रल एक्सिस वहां पे तैयार हुआ प्रोकॉर्डल प्लेट में, तो वहां पे बॉडी को वो प्लेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट एंड राइट। इसीलिए साइड्स द लेफ्ट एंड राइट आल्सो हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। देखो बोथ साइड्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है, लेकिन किस तरह ब्लड फ्लो पहले होगा, और वो जिस साइड में ब्लड फ्लो पहले होगा वो साइड पहले बनी। इसीलिए हम साइड हर मेडिसिन में देखते हैं, राइट। इसीलिए हम साइट को इंपॉर्टेंस देते हैं।
अगर कोई पेशेंट लेफ्ट साइडेड है और हम उसको राइट साइडेड मेडिसिन दे रहे हैं तो वो उसकी पार्शियल सिमिलिमम मेडिसिन होगी, उसकी 100% सिमिलिमम मेडिसिन है, क्योंकि नेचर ने अगर साइड को इंपॉर्टेंस दिया है तो उसी तरह से उसका क्योर भी होगा। इसलिए साइड डिटरमिनेशन हमारे लिए मस्ट हो जाता है, और साइड डिटरमिनेशन करना भी बहुत यूनिक है होम्योपैथी में। तरह से साइड डिटरमिनेशन हमें करना चाहिए, क्या क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए जब हम साइट कंसिडर करते हैं, तो एनीवन हु वांट टू से बताएगा शुरुआत कोणत्या साइड नी झाली, कुठल्याही आजाराची असं विचारू शकतो, किंवा वारंवार एकाच साइडला एखादा आजार होतोय का तुम्हाला? ओके, और सर पास्ट हिस्ट्री मध्ये इंजुरीज किंवा फ्रॅक्चर्स कोणत्या साइडला झालेले आहेत, किंवा काही ऍक्सिडेंट म्हणा किंवा काही प्रॉब्लेम असतील ते मोस्टली कोणत्या साइडला झालेले आहेत ते पण आपण विचारू शकतो। पण यावरनं काय निघेल की कोणची साइड मोस्टली अफेक्टेड आहे, कोणती साइड में आपको तकलीफ होती, इस पर से हमें ये मिलेगा कि विच साइड इज प्रोन टू गेट इंजर्ड फर्स्ट। Yes. बट उस पर से ये डिटरमाइन नहीं होगा, ये 100% श्योर नहीं होगा कि ये वही साइड का है। सर व्हील बघू शकतो पेशंटचा? व्हील से कैसे पता चलेगा साइड? अटैचमेंट से जरा एक्सप्लेन कीजिए। मदरली अटैचमेंट जैसे हो गया, इमोशनल फैक्टर ज्यादा रहेगा तो सिस्टर से अटैचमेंट, मदर से अटैचमेंट। इस पर साइड डिटरमिनेशन कैसे होगा, लेफ्ट साइडेड राइट होता है, लेफ्ट साइड मोर लेफ्ट साइडेड पर्सन मोस्टली इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं सर, मोस्ट सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं सर, ब्लड उसमें ज्यादा है, इमोशनल पार्ट उनका ज्यादा होता है। ओके, तो ये तो माइंड हो गया उसका कि वो सेंसिटिव है कि करेजियस है कि बोल रहा है। अगर वो बहुत सेंसिटिव है तो वो मदरली क्लोज रहेगा, है ना, तो वो मे भी हो सकता है लेफ्ट साइडेड है, लेकिन वो कंफर्म करना पड़ेगा कि वो एक्चुअली है क्या उस तरह से, राइट, क्योंकि मोस्टली जो सोरा में होते हैं तो वो तो आपको सेंसिटिव ही मिलेंगे, लेकिन साइकोटिक में सिफिलिटिक में कैसे आप ढूंढ पाओगे, वहां पे कहां से आपको सेंसिटिविटी मिलेगी जी, है ना। तो मोस्ट टाइम हम जब साइट कंसिडरेशन करते हैं, मोल्स बात मत सर प्लीज, आप सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए क्योंकि नॉइस बहुत हो रहा है। यस, ओके, तो साइड डिटरमिनेशन ऑलवेज हमें देखना है कि पेशेंट को क्लैप करने को लगाइए तो पेशेंट किस तरह से क्लैप करता है, कोई पेशेंट ऐसा क्लैप करता है फर्स्ट एक्शन कहां से आ रही है वो हमें ऑब्जर्व करनी होती है, कि ऐसा करता है तो राइट साइडेड है, ऐसा करता है तो लेफ्ट साइडेड है, ऐसा किया तो बोथ साइडेड That means confusing. Left-sided. ऐसा कर रहा है आपके सामने, लेफ्ट साइडेड हो सकता है सर, वो उसको मार मार के उसको यानी कि राइट साइडेड किया होगा शायद, मे बी वेरी गुड आंसर, मे बी हो सकता है, जब ऐसा करता है तो छोड़ दो, वहां पे फोर्सफुली निकालना नहीं हमें कि कौन से साइड का है, राइट right? Yes. तो ऐसे केस में जहां कहां भी जब भी आप प्रिस्क्राइबिंग करते हैं होम्योपैथिकली, जहां कहां पे भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है, लिव इट, उसके पीछे नहीं पड़ना है, अब पीछे पड़ेंगे तो आपको कुछ तो भी नॉनसेंस मिल जाएगा, इसलिए जहां कहां कंफ्यूजन है कंफर्म नहीं है लिव इट। ओके, सो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका वो हम सोच सकते हैं जो बार बार प्रोन टू इंजुरी है, जैसे कि बचपने से एक ही साइड अफेक्टेड हो रही है,
That is also the considerable point. Then, simple way कि उसके पास एक बॉटल दे दो और बोलो कि इसका झक्कन खोलो. तो पेशेंट किस तरह से बॉटल पकड़ता है और झक्कन खोलता है. राइट साइडेड पेशेंट विल ऑलवेज लाइक दिस. और लेफ्ट साइडेड है तो वो हाँ राइट हैंड में बॉटल पकड़ेगा और लेफ्ट हैंड से खोलेगा. राइट तो तीसरी बात ये भी होती है जो पर्सन को बचपने में ही हैबिट लगाई जाती है फोर्सफुली. अगर वो लेफ्टी है तो उसे फोर्सफुली सिखाया जाता है कि राइट हैंड से करो राइट हैंड से करो. राइट तो ऐसे इसमें टोटली सब कुछ चेंज हो जाएगा. उसके जो अटैचमेंट्स है उसके जो रिलेटेड पर्सन है वो चेंज हो जाएगी. अगर वो लेफ्ट साइडेड है तो मदर राइट साइडेड में चली जाएगी और फादर लेफ्ट साइड में आ जाएगा लेफ्टी है तो. राइट सो इस तरह से चेंज हो जाता है. तो हमें साइड इसी तरह से देखनी है और साइड का इंपॉर्टेंस अभी आपको पता चल गया. नाउ द राइट एंड द लेफ्ट साइडेड medicines like lachesis, natrum, murtuja will not affect the right side first because the body has developed first on right side then the left. Right? Okay. Sir, एक विचारायचं होतं. बर्थमार्क नाही कन्सिडर करू शकत का आपण बर्थमार्क किंवा लायसन्स? 100% नाही. म्हणजे तुम्ही जर 100% त्याच्यावरच डिपेंड असाल तर नाही. बरं. Right? Okay. Okay. So, yeah. Now, the second rule, second law, क्या है Herring's law का? Second rule क्या है? From above downwards, from head to foot. पहले हमने देखा more important है ना, more important is head, more important to less important. अभी हम देखेंगे above downward. तो किस तरह से पहले देखा कि किस तरह से पहले अपर पार्ट डेवलप होगा दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. नाउ अब अबो डाउनवर्ड अपर से लोअर तक हेड से फुट तक कैसे ब्लड फ्लो होता है और एक एक ऑर्गन बनते जाता है तो कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का. सो सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोकॉर्डल प्लेट सम ऑफ द एक्टोडर्मल सेल्स लाइंग अलोंग द सेंट्रल एक्सिस. जो एक्टोडर्मल सेल्स है वो सेंट्रल एक्सिस के आजू बाजू में जमा होना शुरू हो जाते हैं. लाइंग अलोंग द सेंट्रल एक्सिस नियर द टेल एंड ऑफ द डिस्क बिगिंस टू प्रोलिफरेट. दिस इवोल्यूशन दिस इलिवेशन इज कॉल्ड प्राइमेटिव स्टेप. जो सेंट्रल एक्सिस के आजू बाजू में सेल्स कलेक्ट हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमेटिव स्टेप. दिस प्राइमेटिव स्टेप इज फर्स्ट राउंड then oval and later on linear in structure lying along the central axis of the disc. तो पहले upper part बना now अभी धीरे धीरे वही cell नीचे आ रहा है और lower part बन रहा है. तो इससे lower extremities बन जाएंगी upper part से upper extremities और जो cells है primitive stick के आजू बाजू में है वो divide हो जाएंगे left में right में और उससे पूरा abdomen बनेगा organs बनेंगे. ये हुआ फ्रॉम अबो डाउनवर्ड. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस. दिस डेवलपमेंट गाइड्स अस टू द फॉर्मेशन ऑफ हेड फर्स्ट देन द टेल. नर्वस सिस्टम इज डेवलप फ्रॉम द न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स. हियर द ब्रेन डेवलप फर्स्ट एंड देन द स्पाइनल कॉर्ड. इसीलिए जब भी जैसे कि ब्रेन हेडेक है माइग्रेन है वो चले गया उसके बाद अगर पेशेंट को लो बैक पेन आता है तो दैट इज गुड साइन. लेकिन लंबर स्पॉन्डिलोसिस पेशेंट का अच्छा हो गया और पेशेंट को बाद में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आया गुड और बैड? बैड सर. बैड बिकॉज बिलो अपवर्ड हो रहा है लेस इंपॉर्टेंट टू मोर इंपॉर्टेंट जा रहा है. यस So, ये हो गया head to feet. Now the third rule of Herring's law is from center to periphery. अब center to periphery जो primitive stick के
पास जो सेल्स जमा हो गए वो डिवाइड होंगे लेफ्ट टू राइट एंड ऑर्गन्स फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, दैट इज द सेंटर टू पेरिफेरी स्प्रेड ऑफ इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और जो भी ऑर्गन्स है वो पूरे ऑर्गन्स आते हैं मेसोडर्म में. द सेल्स दैट प्रोलिफरेट इन द रीजन ऑफ द प्राइमेटिव स्टेट पास साइडवेज पुशिंग देमसेल्व्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और दोनों के बीच में तैयार होती है मेसोडर्म विच इज द थर्ड जर्म लेयर कॉल्ड मेसोडर्म. नोट दैट द मेसोडर्म कम्स टू लाई बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क एक्सेप्ट द प्रोकॉर्डल प्लेट द क्लोएकल मेम्ब्रेन एंड द रीजन ऑफ द नोटोकॉर्ड. यस, तो देखो प्रोकॉर्डल प्लेट क्लोएकल मेम्ब्रेन रीजन ऑफ नोटोकॉर्ड दिस इज नॉट द मेसोडर्मल. This development of the mesoderm is from center to periphery along the central axis which emphasizes center to periphery development. तो इस तरह से center जो body का center है spinal cord वहां से पूरा periphery की तरफ cells जाएंगे और अपना development start करेंगे. Spinal cord is the central axis and forms this different nerves and form at the different levels like cervical, thoracic, lumbar and sacral region. These nerves spread from center to periphery, so much from the paraxial mesoderm lies on either side of the developing spinal cord. Each somite is divisible into three parts. देखो somite से क्या क्या तैयार होता, दे आर dermatom, myotome एंड sclerotome. तो somites gives us dermis, that is skin, myotome, that is muscles, tendons, and sclerotome, that is bones and joints. Right? So the cells of the sclerotome migrates medially. They surround the spinal cord from both sides and fuse to form the vertebral column and the ribs. Myotome gives rise to striated muscles. The latter part is called dermatome. It gives rise to dermis of the skin and subcutaneous tissues. So, सबसे पहले sclerotome बनेगा. उसके बाद मायोटोम बनेगा एंड सबसे लास्ट में बनेगा फिर डर्मेटोम. तो जब भी कोई जॉइंट का प्रॉब्लम आता है तो इस तरह से ही उसमें इंप्रूवमेंट होगी. पहले जॉइंट इंप्रूव होगा, देन मसल, देन डर्मिस, लास्ट में वो डर्मिस पे आएगा. The significance of this third law, that is center to periphery, prove that development start from center to periphery, from inside to the outside. From inside to the outside. Inside to the outside. ये समझ में आया? नहीं, अभी समझेगा कि जो भी बोन्स है, मैंने जॉइंट का आपको बताया कि इनसाइड टू आउटसाइड कैसे होगा. पहले जॉइंट इंप्रूव होगा, देन मसल्स, देन डर्मिस. लेकिन बोन्स में इनसाइड टू आउटसाइड कैसे होता है? क्योंकि बोन जब फॉर्मेशन होता है तो बोन्स के आप अगर कट सेक्शंस लेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो उसमें ऐसे लेयर्स देखते हैं. जैसे कि कोई झाड़ का खोड़ होता है ना, उसको जब कट करते हैं तो उसमें लेयर 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 दिखते हैं. उसी तरह से बोन का डेवलपमेंट होता है. बोन्स में पहले इनर लेयर तैयार होगी, उसके बाद उसके ऊपर दूसरी लेयर आएगी, सेकंड लेयर आएगी, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर. इस तरह से बोन डेवलप होता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. वैसे स्कल का होता है, स्कल की सबसे पहले एक लेयर बनती है, उसके बाद उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी, फिर उसके ऊपर चौथी, लाइक दिस. उसी तरह से पूरे ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है. सबसे पहले
ऑर्गन जब समझ लो लंग्स लेते हैं तो सबसे पहले वहां पे एक बर्ड जाएगा, बर्ड से वो डिवाइड होगा, डिवाइड से अगेन मल्टीपल डिवाइडेशन होगा, उसकी ट्रीज बनेगी, उसके बाद उसके ऊपर कवरिंग आएगा, उसको लिवर बोलेंगे, और लिवर के बाद वापस लिवर को एक कवर अप किया जाएगा, दैट इज द प्लूरा। इस तरह से इनसाइड आउट डेवलपमेंट होता है, वही हमारा हेयरिंग लॉ है। जब क्यूअर भी होगा तो इनसाइड आउट होना चाहिए। यस, इसीलिए हम जब भी कोई वुंड हीलिंग होता है तो कैसे होता है, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, फ्रॉम इनसाइड आउट। वो सॉरी मैंने जो बोला वुंड में, वुंड में पर्टिकुलरली ये लॉ लागू नहीं होता है, वुंड में ये लॉ लागू नहीं होता है। कोई भी पैच जैसे कि ल्यूकोडर्मल पैच है तो वहां पे सेंटर टू पेरिफेरी आपको इंप्रूवमेंट दिखेंगी, लेकिन कोई भी वुंड जब हील होती है तो वहां पे ये लॉ लागू नहीं होता। वहां पे हीलिंग किस तरह से होगी, फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर। क्यों, कौन बताएगा? कोई भी वुंड अल्सर में हीलिंग पेरिफेरी टू सेंटर होगी, लेकिन वही जो इनसाइड आउट है ये हीलिंग ईच एंड एवरी ऑर्गन में होगी, बोन्स में होगी, लेकिन वुंड में नहीं होगी, अल्सर्स में नहीं होगी। कौन बताएगा? रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस, यहां पे कहा रिवर्स, वो ब्रिज, ब्रिज इन कंटिन्यूटी हो गया सर। यस राइट, ब्रिज इन कंटिन्यूटी। यस, और कौन एक्सप्लेन करेगा और अच्छी लैंग्वेज में और अच्छी तरह से? सर सेल प्रोलिफरेशन है, जितून इंजुरी संपेल तितून सेल प्रोलिफरेशन होता, म्हणजे सेल टू सेल प्रोलिफरेशन होता, सेल टू सेल प्रोलिफरेशन होता है ना, जितून इंजुरी संपेल तितून से रही। और कौन बताएगा? सर इट्स फ्रॉम एक्चुअली लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्किन। It goes, it is in the periphery to the centers. It will go in reverse order like this. Okay. Okay. Somewhere. तो अपन तो periphery की बात करते हैं ना, skin की। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी कोई अल्सर की केस आपके पास आते हैं, कोई डीप wound जैसे कि डेक्यूबिटस होते हैं, डेक्यूबिटस पता है ना, डेक्यूबिटस मीन्स बेड सोर्स, बेड सोर्स, बेड सोर्स कैसे होते हैं, बिग होते हैं, डीप होते हैं ना। तो बेड सोर्स की अगर केस आपके पास आती है तो वहां पे हीलिंग ऑलवेज एक्सपेक्ट करना फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द वुंड। व्हाई? बिकॉज ब्लड सप्लाई जो वेन्स है, आर्टरीज है, वो तो सेंटर में अल्सर है, डीप है, तो वहां पे कहां से मिलेंगे? वहां पे तो सब डिस्ट्रॉय हो गया, सब डिस्ट्रक्ट हो गया। जो इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगी वो पेरी पेरी मतलब उसके कॉर्नर से स्टार्ट होगी, क्योंकि पहले वहां पे कैपिलरीज फॉर्म होंगे, वहां पे ब्लड सप्लाई पहुंचेगा, बाद में न्यूट्रिशन पहुंचेगा, और न्यूट्रिशन वहां पे प्रोलिफरेशन करेगा, न्यू सेल्स जनरेट करेगा, और धीरे धीरे जैसा कि एक जन ने बताया कि ब्रिजिंग अप होता है, तो धीरे धीरे वो कॉर्नर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और वुंड नैरो नैरो होते फ्यूज हो जाएगी। समझ में आया? इस तरह से इंप्रूवमेंट होती है वुंड हील में और अल्सर्स में, राइट? तो खाली यही रूल अल्सर्स में फॉलो नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना इनसाइड आउट। तो स्कल बोन, बोन फॉर्मेशन किस तरह से होता है, बोन बोन ग्रोथ किस तरह से होती है, हम देखते हैं। स्कल बोन फर्स्ट, इन स्कल बोन्स ग्रोथ टेक्स प्लेस इन थिकनेस एंड साइज ऑफ द बोन बाय वन लेयर ऑफ द पेरिओस्टियम लाइंग ओवर द अदर। दीज न्यू लेयर्स आर फॉर्म ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द फॉर्मिंग बोन एज शोन अबोव। लेयर सेकंड लाइज ओवर द फर्स्ट, थर्ड लाइज ओवर द सेकंड, एंड फोर्थ लाइज ओवर द थर्ड। इस तरह से सेंटर टू मतलब इनसाइड आउट बोन
तैयार होगा एक के ऊपर एक साइमल्टेनियसली, इसीलिए देखो बोन के ग्राफ्ट निकलते बराबर एक 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 है ना, इसीलिए बोन ग्राफ्टिंग होती है। सो साइमल्टेनियसली देयर इज रिमूवल ऑफ द इनर लेयर ऑफ बोन फ्रॉम द इनर साइड एंड दिस वे द बोन ग्रोज फ्रॉम इनसाइड टू आउट। तो इसी तरह से वहां पे हीलिंग भी होगी, पहले इनर लेयर बनेगी उसके बाद आउटर, उसके बाद आउटर, उसके बाद आउटर, राइट। देन ये हो गया स्कल बोन का। अब लॉन्ग बोन्स कैसे तैयार होते हैं, ये तो थिकनेस देखा हमने बोन्स का, लेकिन लॉन्ग बोन्स कैसे तैयार होते, शाफ्ट कैसे तैयार होता है। सो लॉन्ग बोन्स ग्रोज इन थिकनेस फर्स्ट, देखो इंप्रूवमेंट मतलब बोन फॉर्मेशन कहां से होगा, सबसे पहले लॉन्ग बोन्स ग्रोज इन थिकनेस, थिकनेस बढ़ेगी पहले, एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती जाएगी, बाय मोर लेयर्स ऑफ द बोन लेड डाउन ओवर इट द पेरिओस्टियल बोन बिकम थिकर एंड थिकर, द लेयर सेकंड लाइज ओवर द फर्स्ट एंड थर्ड ओवर द सेकंड एंड फोर्थ ओवर द थर्ड साइमल्टेनियसली ऑस्टियोक्लास्ट कम्स इन line of internal surface and removes the internal layer. So the inside layer is removed as the bone grows and the development takes place from inside to out. तो उसी तरह से जैसे कि उसकी thickness बढ़ रही, उसकी लंबाई भी बढ़ना शुरू हो जाएगी from the center of bone shaft, right? Figure shows that the bone grows in lengthwise and also growth takes place from inside out. Long bone grows in length and in thickness as more layer of the periosteum are laid down over it. The periosteal bone becomes thicker and thicker as growth takes place. Osteoclast comes to line the internal surface of the shaft and removes bone from this aspect. As bone grows outside, the shaft is removed from the inside. Yes. So shaft se jaise jaise bone grow ga, shaft bhi uska badhte jayega. Matlab bone ki length bhi badh jayengi. Lengthwise also similar process takes place. What is the significance? Bones are developed from inside to outside. This is the significance. Or this is the third rule of our फोर्थ रूल ऑफ अवर हेरिंग्स लॉ। तो ये हमने बोन्स का देखा। नाउ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन किस तरह से बनते, तो ऑर्गन भी सेंटर टू पेरिफेरी दैट मींस इनसाइड आउट ही बनते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम अ मीडियन डायवर्टिकुलम ऑफ द फोरगट। देखो लंग्स से बनता है तो फोरगट आ रहा है, फोरगट कहां से आता है, इंटेस्टाइन से। मतलब पहले इंटेस्टाइन बनेंगे, उसके बाद उसके ही फोरगट से रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगी। इसीलिए मोर इंपॉर्टेंट एब्डोमेन को है, डाइजेस्टिव सिस्टम को है, और लेस इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम को है। तो ऑलवेज लूज मोशन स्टॉप होने के बाद पेशेंट को कोल्ड कोराइजा होना चाहिए। अगर पेशेंट का ब्रोंकाइटिस जाता है, न्यूमोनिया जाता है, और उसके बाद पेशेंट को लूज मोशंस होते हैं, दैट इज बैड साइन। हम उसे ही सही बोलते हैं। किस तरह से, जब भी आपके पास पेशेंट आएगा न्यूमोनिया ब्रोंकाइटिस का, और पेशेंट आपने मेडिसिन दे दी, और उसके बाद पेशेंट बोलता है दो दिन बाद कि इसको लूज मोशंस बहुत हो रहे, तो हमारे डॉक्टर्स उनको क्या एक्सप्लेन करते हैं, कब संडास में से जा रहा, इज इट राइट, नो इट इज सप्रेशन, राइट, यस। तो ऐसा कभी नहीं, क्योंकि मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि कम कब में से जाएगा, संडास में से जाएगा, नो दिस इज रॉन्ग, राइट। सो The connective tissue, cartilages and muscles are in relation to the organs of the respiration which are derived from splanchopleuric mesoderm. Splanchopleuric mesoderm, the pre-caudal end of the diverticulum becomes bifid, each subdivision being called a lung bud.
The part of diverticulum cranial to the bifurcation formed the larynx and trachea. So, जैसे ये foregut निकला, foregut से वो divide हो गया है ना, उसका trachea, trachea के बाद lungs bud, lungs bud के बाद धीरे धीरे वो again divide होते जाएगी, वहां पे tree बनेगी और tree के बाद उस पे फिर वापस covering आना शुरू हो जाएगा. So the substance of the lungs is formed by the further subdivisions of the lobar bronchi. After the establishment of the bronchial tree, alveoli are formed by expansion of the terminal part of the bronchial tree. देखो एक एक पार्ट कैसे बनते जा रहा, पहले सेंटर बना, इनसाइड बनी, देन अभी धीरे धीरे आउटसाइड बन रही, पेरिफेरी बन रही ऑर्गन की. The part of the lungs parenchyma developing from the lobar bronchi are separated from one another by mesoderm. This mesoderm forms the connective tissue basis of the lungs and also gives rise to pleura. और सबसे last में फिर pleura आएगा. याद नहीं आ रहा है, no voice लिखा है किसी ने मैसेज में? No sir, you are very clear. Okay. शायद उनके मोबाइल पर कुछ प्रॉब्लम हो. ओके आप चेक कर लीजिए, किसी हो सकता है. यस सो तो किस तरह से लंग्स बना, मैं किस तरह से आपको लेके गया धीरे धीरे, है ना, अंदर से बाहर. तो इसी तरह से हर ऑर्गन की डेवलपमेंट होती है. तो अब यहां पे इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ट्यूबरक्यूलोसिस का पेशेंट है, न्यूमोनिया का पेशेंट है, वो ट्रीट हो गया और उसके बाद उसको प्लूरसी हुई, गुड और बैड? गुड. गुड. लेकिन प्लूरल इफ्यूजन गया और पेशेंट को न्यूमोनिया हुआ, ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ, गुड और बैड? बैड सर. बैड. यस. द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग द लंग्स डेवलपमेंट फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड. तो किस तरह से हमारा हेरिंग्स लॉ प्रूव हो रहा है, राइट, कि कितना नेचुरल है, सही में उसका जो नेचर्स लॉ बताया गया वो कितना नेचुरल है, कितना साइंटिफिक है, कितना यूनिवर्सल है, क्योंकि ग्रोथ भी यूनिवर्सल है. और किस तरह से हेरिंग्स ला, डॉक्टर हेरिंग्स की विजन होगी, इमेजिनेशन होगा उस वक्त, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी उस वक्त थी नहीं, लेकिन उन्होंने किस तरह से इमेजिन किया और ये विजुलाइज किया होगा कि कैसे कैसे ऑर्गन बने होंगे. देखो कितने हमारे जो पायोनियर्स थे वो कितने ग्रेट पर्संस थे, है ना. अंधेरे में दिया जलाना इसको कहते हैं, अंधेरे में रोशनी ढूंढना इसको कहते हैं. यस. नाउ द डेवलपमेंट ऑफ किडनीज. पेनाइटल सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम इंटरमीडिएट मेसोडर्म. इंटरमीडिएट मेसोडर्म, देखो हम देखो यहां पे ये भी बात ध्यान में रखो कि ऑर्गन्स के कहां से बन रहे, कौन से टिश्यूज से बन रहे, तो मेसोडर्मल टिश्यू. इसीलिए सभी ऑर्गन मेसोडर्म लेयर में आते हैं. जो स्पाइनल कॉर्ड बनाता वो कौन से टिश्यू से बनाता, फर्स्ट एक्टोडर्म. एक्टोडर्मल टिश्यू से बनाता स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए देखो एक्टोडर्म का और एंडोडर्म का, एंडोडर्म मींस नर्वस सिस्टम का, तो न्यूरोडर्म जिसको हम बोलते हैं कि एक्टोडर्म से ही न्यूरोडर्म बनता है, नर्वस सेल्स बनते हैं, नर्वस टिश्यू बनते हैं, इसलिए दोनों का बहुत कनेक्शन होता है. तो आप देखो जो भी वायरल डिजीजेस होते हैं नर्व से स्किन पे आते हैं. तो कोई अगर डिजीज जैसे कि सिक्स लेयर का है, नर्वस सिस्टम इज सिक्स लेयर सिस्टम लेयर, तो सिक्स लेयर का कोई प्रॉब्लम है, नर्वस टिश्यू का प्रॉब्लम है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, और वो चलेगा और डायरेक्ट स्किन पे इरप्शन आए, तो इट इज गुड साइन, क्योंकि ये न्यूरो एक्टोडर्मल कनेक्शन है. मॉम्स चिकन पॉक्स में क्या होता है, सबसे पहले कहां पे एफेक्शन होता है, एंट्री ऑफ वायरसेस कहां से होती है, फर्स्ट सिम्टम है इन वायरल डिजीजेस का, नर्व इरिटेशन. नो,
वीकनेस सर नो माउथ अल्सर रैश होता है रैश एंड इरप्शंस नो माउथ अल्सर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कोल्ड को राजा नो माउथ अल्सर किसने बताया हैंड राइज करो जय श्री बन उसको माउथ अल्सर्स नहीं बोलते उसको बोलते कॉम्प्लेक्स स्पॉट इन द ओरल कैविटी न्यूरोएक्टोडर्म इसीलिए देखो कि जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं उनमें अगर डायरिया सप्रेस हो गया ना तो डायरेक्ट वो पेशेंट नर्वस सिस्टम में चला जाता है पेशेंट गोज इनटू कोमा तो क्लोएकल मेम्ब्रेन कहां होती है एनल कैनल में आफ्टर बर्थ इट क्लोजेस एंड आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज इट ओपन्स इसीलिए ओल्ड एज में कभी भी अगर डायरिया सप्रेस होने के बाद डिस्चार्जेस सप्रेस होने के बाद अगर पेशेंट कोमा में जाता है तो इट इज बैड क्योंकि न्यूरोएक्टोडर्मल डायरेक्ट फर्स्ट लेयर टू सेकंड लेयर टू सिक्स्थ लेयर सेवंथ लेयर सो दिस इज द सप्रेशन तो ये ध्यान में रखना न्यूरोएक्टोडर्म So, urogenital system develops from the intermediate mesoderm, which forms a bulging on the posterior aspect of the abdominal wall is called a nephrogenic cord. The growing tip of each of the numerous branches of the ureteric bud is dilated from to form ampulla. Dekho, kidney ki shuruaat kaise ho rahi. The cells of the metanephric blastema in contact with an ampulla undergo differentiation to form nephrons. A solid clump of cell is converted into a vesicle which soon becomes pear shape and opens into the ampulla. Vesicle distal part is invaginated by a tuft of capillaries which forms into glomerulus. So, इस तरह से इनसाइड आउट किडनी तैयार होगी तो यहां पे आपको ओनली रीडिंग से मेरे रीडिंग से अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप एम्ब्रियोलॉजी ऑफ किडनी पढ़ लेना या फिर ये ही बुक पढ़ लेना तो आपको वो सब क्लियर हो जाएगा नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फ्रॉम द यूरेट्रिक बड द होल किडनी हैज डेवलप फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड This development of bones, lungs, kidneys and so many other organs are from inside to outside. Scientists like Ulpard and Weddington have scientifically proved that there exist four different paths of supply of food called nutritive gradients or animal growth axis. All these gradients are passive, that is, no energy is consumed for the transfer of these elements. The flow of gradients is from above downwards, from more important organs to less important organs, from center to periphery, and from inside to outside. तो इस तरह से न्यूट्रिशन फ्लो होता है इस तरह से न्यूट्रिएंट ग्रेडियंट फ्लो होते हैं जैसे न्यूट्रिएंट ग्रेडियंट फ्लो होगे उस तरह से डेवलपमेंट होगे और उस तरह से ऑर्गन फॉर्मेशन होगा और उसी तरह से जब जब इन ऑर्गन्स में इन पार्ट्स में कुछ भी डिजीज्ड हो जाता है तो इसी तरह से न्यूट्रिशन फ्लो होगा तो उसी तरह से उसके इंप्रूवमेंट होगी That's why Herring's law become a very scientific, well-proved, well-observed law. Yes. So, fetus grows step by step in a particular manner and direction. The direction of growth is along the direction along the animal growth axis. If construction of fetus takes place in this direction, it should be called life-giving nutritive gradient. Please mute कीजिए अपने आप को बहुत sound आ रहा है. Please mute कीजिए.
So along which flows the elements necessary for growth and maintenance too. Now during diseases, toxic or toxic proteins existing are transported from cell to cell, tissue to tissue through active transport using up energy. This is abnormal and proceeds. This is abnormal and proceeds towards deterioration of human life and finally death. तो जो active transport होता है that uses the energy of body, and जो passive transport होता है it doesn't require energy. तो जो ये nutrition flow हो रहा है that transport is called as passive transport, और जो active transport होता है after disease it requires energy. That's why after disease we feels weakness, dullness, lack of stamina, right? तो दो transport है, ये हमेशा ध्यान में रखना, active transport and passive transport. So we infer from above that more important organ to less important organ from above downwards, that is from head to foot, from center to periphery, from inside to outside, the flow of gradients above downwards from more important to less important organ, from center to periphery and from inside to outside. So this रुपेश कदम को कोई मैसेज डाल दे कि उन वो बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं और नॉइस क्रिएट कर रहे हैं. So this represent the normal and natural process to keep human being in healthy. Therefore, during the cure, disease has to follow the above criteria, that is nothing but Dr. Constantine's Herring's law of cure. Herring's law of cure is totally based on embryology, that is nothing but process of nature. Hence, it is also called as nature's law of cure. Homeopathic medicine stimulate the organs to enhance this gradient to bring about cure. तो हमारे medicines क्या करते हैं? वो our medicines stimulate the nutritive gradients, nutritive gradient flow, और वो flow जैसे-जैसे वहाँ जाएगा, उस organ में energy आएगी और cure takes place. Subsequently, the toxic material or the products in the unhealthy cells or tissues are probably washed down by the pronounced nutritive gradients as these toxins pass through the already affected tissue, transient reappears of old symptoms, that is ROS, occurs down the 7 layers to skin. So, जैसे जैसे nutrient gradients वहाँ flow होंगे, उस organ को cure करेंगे, then toxins उस organ से निकल जाएंगे, उस system से निकल जाएंगे, वो उससे lower important, less important system में आएंगे, less important organs में आएंगे, और वहाँ पे जो पहला कुछ हुआ होगा, उसको reappear करेंगे, that is called ROS, reverse or symptoms of reverse order of the symptoms, yes. Or return of original symptoms. So, Herring's law आपके अभी समझ में आया? So, application of embryology to differentiate and distinguish ideal cure from non-ideal cure in homeopathic practice. If pleural effusion disappear and tuberculosis appear in lung, is it cure? No, it is suppression because pleura are external to the lungs. It protects the lungs. है ना? Yes. तो उसी तरह से हार्ट का होता है ना? तो हार्ट का क्या प्रॉब्लम होगा? कौन बताएगा?
कार्डियो में। अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के बाद क्या होना चाहिए, पेरिकार्डियल इफ्यूजन अगर होता है तो इट इज गुड और बैड? गुड, लेकिन हर केस में ये एक्सपेक्ट नहीं करना, राइट? यस, सो ये ऐसा ही होगा ऐसा नहीं, लेकिन पेरिकार्डियल इफ्यूजन चलेगा और उसके बाद पेशेंट को कुछ इंटरनल प्रॉब्लम आता है हार्ट का, दैट इज रॉन्ग, इट इज सप्रेशन। ओके, सो लैरिंजोट्रेकियल ग्रू इज फॉर्म फ्रॉम फोरगट बाय डाइवर्टिक्युलम, द डिस्टल पार्ट ऑफ द ग्रू इज सेपरेटेड फ्रॉम द इसोफेगस, क्रैनियल एंड कंटिन्यूज टू कम्युनिकेट विथ फेरिंग्स। यस, तो जैसे देखो कैसे किस तरह से लैरिंग्स फेरिंग्स फॉर्म हो रहे हैं, उसके बाद द फ्री कॉडल एंड ऑफ द डाइवर्टिक्युलम बिकम्स बाइफिड, ईच सब डिविजन इज कॉल्ड लंग बर्ड, द पार्ट ऑफ डाइवर्टिक्युलम क्रैनियल टू द बाइफर्गेशन फॉर्म्स लैरिंग्स एंड ट्रकिया, व्हाइल द लंग्स बर्ड्स फ्रॉम द ब्रोंका एंड लंग्स पैरेन्काइमा, द सब्सटेंस ऑफ द लंग्स is formed by further subdivision of the lobar bronchi, after establishment of the bronchial tree alveoli are formed by expansion of the terminal part of the tree, the part of the lungs parenchyma developing from the lobar bronchi are separated from one another by mesoderm, this mesoderm forms the connective tissue basis of lungs and also gives rise to pleura. As the pleura lines the surface of each lobar separately, the lobes comes to be separated by fissures. So from the above we can conclude that the lung is more important organ than the pleura. Pleura is only the covering. Lung is first formed then the pleura. Therefore, if pleural effusion disappear and tuberculosis appear, it is bad prognosis. It is nothing but the suppression. The disease has traveled from more important organs to less important organs. This is against the Herring's law. If respiratory disease has been treated and cough and cold are better, later on if he gets diarrhea, the disease is transferred from respiratory digestive system, which is suppression. As we know that respiratory tract has developed from foregut, that is GIT, again compared to respiratory system, gastrointestinal system is formed first and then more important digestive system. Respiratory system. So diarrhea is treating and patient develops joint pain, again it is bad prognosis, because second digestive system, respiratory system comes in second layer and joints comes in third layer, connective tissue. So yahan pe more less important se more important ki taraf ja raha hai, that is suppression. So diarrhea is treated and patient develops joint pains, again it is bad prognosis. Disease has transferred from endoderm to mesoderm, connective tissue, so this is also a bad prognosis. If pain in wrist joint disappear and shoulder joint pain start, again the bad side, from periphery to center, it is bad prognosis because disease has traveled from periphery to center. This is against the Herring's law, cure takes place from center to periphery. So this is the significance of this embryology chapter. So application of embryology to understand compensation in incurable cases. Ab compensation ke bare mein kaisa hota hai? If cancer is treated and in bargain if person suffer from diabetes, this is called compensation. Here disease of seventh layer, which was life threatening, life dangerous disease, got cured, and in compensation diabetes of fifth layer, endocrine layer, has come up.
दिस इज गुड बार्गेन. तो बॉडी ने यहां पे बार्गेनिंग कर दिया. डिजीज एनर्जी से. सो इन ग्रॉसली इन्वॉल्व केस ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ लंग्स इफ दिस इज ट्रीटेड एंड इन दिस कॉम्पेंसेशन पार्ट ऑफ लंग्स में कोलैप्स और समटाइम पल्मोनरी एम्फाइसिमा में डेवलप. सो दिस इज द चैप्टर. और इस चैप्टर से हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला. एम्ब्रियोलॉजी, हेरिंग्स लॉ एंड सेवंथ लेयर्स ऑफ सेपरेशन. सो आप लोगों को क्या क्या मिला, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए. खुद को अनम्यूट करके आप शेयर कर सकते हैं. यह ऑप्शन आपके लिए खुला है अनम्यूट का. ओके तो कौन बताएगा किसको क्या क्या मिला आज इस चैप्टर से, किसको किसको ओपनिंग्स मिले? यस तर हे नॉलेज मस्ट आहे ते अंडरस्टँड करण्याकरिता. आणि आपण राईट आहे की रॉंग आहे हे समजण्याकरिता या एम्ब्रियोलॉजीचं सेवन लेअर्सचं नॉलेज असणं आवश्यक आहे. यस तर ये जो यहां दिया आहे ये इतना डिटेल नहीं आहे, ये सुपरफिशियल है. आपको इससे भी डिटेल स्टडी करनी है तो आप एम्ब्रियोलॉजी का बुक पढ़ सकते हैं. यस और जब हम सेवन लेयर सेपरेशन पढ़ेंगे उसके बाद और भी आपका क्लियर हो जाएगा. यस हु वांट टू शेयर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है. कि बहुत ही सिंपल आंसर है इसका कि पढ़ते जाओ अंडरस्टैंड करते जाओ और अप्लाई करते जाओ. पेशेंट आपके पास है, आप अप्लाई करो. जब आपके माइंड में ही नहीं है तो विजन में कहां से आएगा? विजन में लाने के लिए आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है. तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा तभी वो एप्लीकेशन होगा. क्योंकि हमारे सामने हर पेशेंट आता है कुछ ना कुछ हमें दे के जाता है, कुछ ना कुछ हमारा नॉलेज इम्प्रूव करके जाता है. वो हमारे सामने प्रेजेंट करता है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते बिकॉज हमारे माइंड में है ही नहीं. यस तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा. जब हम वो नॉलेज लेंगे तभी हम उसे अप्लाई कर पाएंगे. यस थैंक यू. और कोई? या एम्ब्रियोलॉजी करिता खूब सारे बुक्स है. त्यामध्ये बहुतेक एक सिंग ची कुठली तरी बुक है, ती छान है. ओके चालेल. यस और कोई? और कोई शेयर करना चाहेगा? कोई डाउट्स होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ लीजिए. 5:20 हो गए. यस
Yes. देखो पुस्टुलर और पस्युलर में दो टाइप्स होते हैं, एक पस कंटेंट और एक थिन वाटर कंटेंट, राइट? हाँ, थिन वाटर कंटेंट इट इज गुड, बट इफ इट इज कंटेंट पस देन इट इज बैड, दैट मीन्स समथिंग वेंट रॉन्ग. ओके, यस. और अगर उसमें पस है तो ये बात क्लियर है कि वो वायरल नहीं है, वो क्या है? बैक्टीरियल है, देन इट इज बैड. दैट मीन्स इम्यूनिटी नॉट ग्रोन अप, नॉट स्टिम्युलेटेड. योर प्रिस्क्रिप्शन इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज रॉन्ग. रॉन्ग, या यस, या थैंक यू. ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो हम यहां पे स्टॉप कर देते हैं. ओके, कल हम अप्लाइड फिजियोलॉजी. हाँ बोलिए. यस, साइकेट्रिक केस में कैसे जजमेंट लेंगे? तो कौन सा साइकेट्रिक डिजीज आपको पूछना है? यस, तो स्किजोफ्रेनिया. स्किजोफ्रेनिया में आपको किस तरह से हेरिंग्स लॉ देखना है ना? तो मोस्टली जो यस यस, तो मोस्टली जो भी वन साइडेड डिजीजेस होते हैं इनमें आपको हेरिंग्स लॉ मिलेगा ही ऐसा नहीं है. हेरिंग्स लॉ मिलेगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन जो वन साइडेड डिजीज होते हैं या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिजीजेस होते हैं, इनमें आपको सबसे पहले वहां पे इंप्रूवमेंट लानी है मायाजम में. आपको वहां ये ऑब्जर्व करना है कि इसका सिपिलिटिक पहले गया कि नहीं, देन सिपिलिटिक जाने के बाद उसमें साइकोसिस आना चाहिए और साइकोसिस के बाद सोरा आना चाहिए, और जब वो सोरा में आएगा तो 100% वहां इरप्शंस आएंगे. बाकी लेयर के सिम्टम आए चाहे ना आए, लेकिन लास्ट में वहां इरप्शंस आने चाहिए बिकॉज ऑफ न्यूरोएक्टोडर्म, माइंड से डायरेक्ट स्किन पे. तब समझ लेना कि दिस इज कंप्लीट क्योर. आपने मायाजम भी रिवर्स कर लिया और डिजीज को भी रिवर्स कर लिया. अंडरस्टैंड? यस, या मैंने बोला था कि प्लीज आप एक तो अपना विंडो ओपन रखिए, मतलब आप वीडियो ऑन कीजिए या फिर अपना नाम बताइए, क्योंकि अपने अपने ग्रुप में नियर अबाउट 250 के आसपास डॉक्टर्स हैं, लेकिन मुझे किसी की भी पहचान नहीं. एक दो छोड़ के, मेरे जो स्टूडेंट है, मेरे जो फ्रेंड्स है, उनको छोड़ के. हाँ यस यस, जब तक बेबी पेट में है, इन वूम है, तब तक मदर्स इमोशन. एक बार वो बाहर आ गए तो बेबी का कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? यस, तर बेबीला जर काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्हाला मदर्स इमोशन कन्सिडर करावं लागतील, किंवा तुम्हाला मदरलाच ट्रीटमेंट द्यायची असेल तरी मदर इमोशन इमोशन म्हटल्यापेक्षा मदरचे डिस्पोजिशन्स कन्सिडर करावं लागतील, राईट? इमोशन्स नाही डिस्पोजिशन्स. यस, बेबीमध्ये सुद्धा तुम्हाला मदरचेच घ्यावं लागतील डिस्पोजिशन. जेव्हा तुम्ही बेबीला जर काही प्रॉब्लेम असेल इन उम,
तर तुम्हाला मदरचेस घेऊन तुम्हाला प्रिस्क्राइब करावं लागेल. तिथे पर्टिक्युलर तुम्ही काही रुब्रिक घेऊ शकता, जसं की बेबीच्या लंग्समध्ये अफेक्शन आहे किंवा लिव्हरमध्ये आहे किंवा किडनीजमध्ये आहे, तर तिथं किडनीज अफेक्टेड बाय, लंग्स अफेक्टेड बाय, लिव्हर अफेक्टेड बाय, या टाईपचं एखादं पर्टिक्युलर सिपिलिटिक रुब्रिक तुम्ही घेऊ शकता. राईट, ओके. हां, यस. तर अशा केसमध्ये ॲक्च्युली कालची केस ऑलरेडी किती वर्षापासनं ॲलोपॅथिक टॅबलेट्सवर होती, है ना, सिन्स ही इज यंग एज ही वॉज टेकिंग टॅबलेट्स ऑफ हाइपरटेंशन. तो ऐसे केस में अगर उसको कोई सिम्टम्स है, जब हम फॉलोअप देख रहे हैं और उसको हमें लग रहा है कि इतना हाई राइज बीपी है, पहली बात तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो हमने अभी देखा कि व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन द डिजीज, एपोरिज्म नंबर 3, कि पहले हमें यह समझना है कि इसमें हम क्योर क्या कर रहे हैं और हमें क्योर क्या करना है. ये जब नॉलेज हमें पता हो जाता है तो हम क्योर उसका क्या कर रहे हैं, लाइक इन LSC, है ना. तो उसके बाद जो भी आएगा, अगर वो क्योर हो रहा है तो उसके बाद जो भी आएगा दैट इज वेलकम साइन. तो अगर उसका बीपी भी बढ़ गया, उसका बीपी भी बढ़ गया, तो उस वो ही इज ऑलरेडी ऑन टैबलेट्स, एलोपैथिक टैबलेट. तो आप बोल दो कि अगर ये बहुत ज्यादा है, उसको सिम्टम्स दिख रहे, तो आप एक टैबलेट और लेने को लगाओ. लेकिन अगर वो सिम्टम लेस है इतना हाई राइज होने के बाद भी, तो डोंट वरी, गिव ओनली SL एंड टेल हिम टेक 1 आवरली और हाफ आवरली. सॉरी, क्लियर? या नो, यस यस, सेम पोटेंसी, 3 टाइम्स सेम पोटेंसी, बिकॉज वहां पे कुछ ऐसा मुझे लगाने की इंप्रूवमेंट रुक रही है या फिर स्लो हो रही है या फिर इसे और बढ़ाना है, क्योंकि पेशेंट सिपिलिटिक में से साइकोसिस में आया तो ओनली वहाँ पे डलनेस आया, इसलिए मैंने सेम पोटेंसी सेम स्टिमुलेशन दिया, वापस वो स्टिमुलेट हो गया, तो वापस जब लास्ट में उसको और वापस डलनेस आया, देन अगेन आई रिपीटेड सेम पोटेंसी और इम्प्रूवमेंट गेट स्टार्टेड, बूस्टर्ड इट, 200 ने उसको बूस्टर्ड कर दिया. या नो, ऑस्टोमेटिक अटैक अपने आप आया, कुछ दिन रहा, निकल गया, उसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ी. ओनली आई वॉज एडवाइज टू वाटर स्टीम ओनली, या स्टीम एनिहिलेशन. या थैंक यू वेरी मच. या Which disease? Yes, ringworm. Worms are psychotic. All worms are psychotic. म्हणजे still patient is in psychotic miasm. आपको उसको psychotics में से 16 में लाना है. राइट, तो स्टिंग क्योंकि उसको ये रिंगवर्म की 100% हिस्ट्री होंगी, दैट वाज ROS, और वो अपने आप जाएगा, उसके बाद उसके इरप्शंस आएंगे. यस, यस, अगेन वेट एंड वॉच. इसका मतलब आपने उसे पहले ही उसको अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे,
है ना, एक। दूसरा यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि उसका कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म जो बॉडी का है वो अपने आप उसको निकालेगा जो भी उसने डिस्टर्ब किया है और वापस उसको रेगुलाइज करेगा। अगर वो नहीं होता है देन यू हैव टू बूस्टर्ड इट विद द सेम पोटेंसी। यहाँ पे आपको पोटेंसी इंक्रीज नहीं करना है, वहां पे आपको सेम पोटेंसी देना है। या थैंक यू। सो नाउ क्लोज। यस थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके या थैंक यू।